हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका गौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग विद बेस। इससे पहले हमने एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन पीरियड हमने कर लिया है। अब हम बात करेंगे एज ऑफ चौसर की, जिसका टाइम पीरियड है 1340 से लेके 1400 तक। ठीक है, इसे बिगनिंग ऑफ न्यू एरा एक तरफ से बोला बोला जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे न्यू लैंग्वेज आई, न्यू लिटरेचर आया। देखिए, न्यू लैंग्वेज क्या आपको पता है, पहले क्या थी? लेटिन, देन फ्रेंच, और उसके बाद इंग्लिश जो है वो एमर्ज हुई। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश जब आई, इंग्लिश में लिटरेचर लिखा जाने लगा, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। देखिए, जब चौसर जब बोर्न हुए थे, दैट वाज काइंड ऑफ अ टर्बुलेंट पीरियड ऑफ दैट टाइम, लाइक वहाँ पे सोशल, रिलीजियस एंड पोलिटिकल चेंजेस हुए थे। जब चौसर बोर्न हुए दैट टाइम, थ्री किंग्स असेंडेड द थ्रोन। ठीक है, जिनकी बात करते हैं, एडवर्ड थ्री, रिचर्ड टू एंड हेनरी फोर। लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है तो एडवर्ड थ्री के टाइम पे चौसर बोर्न हुए थे, रिचर्ड टू के टाइम पे लिव्ड थ्रू एट दैट टाइम, एंड हेनरी फोर की अगर हम बात करें तो चौसर एक साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। ही डाइड द ईयर आफ्टर हेनरी फोर असेंडेड द थ्रोन। ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूँ, देखो आपको ना ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि चौसर के टाइम पे तीन किंग कौन थे, तो ऑप्शन में ये भी डाल देगा, और जो सेकंड ऑप्शन होगा उसमें ये दो डाल देगा, और उसके साथ कोई और किंग का नाम डाल देगा। तो ऐसे करके वो आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे। तो आपको ये पक्का पता होना चाहिए, एडवर्ड थ्री, रिचर्ड टू एंड हेनरी फोर, क्वेश्चन आते हैं भाई इसमें से। चलिए अब बात करते हैं, देखिए रिचर्ड टू और हेनरी फोर, इनके ऊपर शेक्सपियर ने प्लेज लिखे हैं। कि एक है ट्रेजेडी और एक है कॉमेडी। जो ट्रेजेडी लिखी है वो है रिचर्ड टू के ऊपर, और कॉमेडी जो लिखी है वो है हेनरी फोर के ऊपर। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आता है। देखिए, जब चौसर का टाइम था उस टाइम पे रोमांटिक आइडियलिज्म प्रिवेल हो गया था, जो आपको पता चलता है नाइट्स टेल पढ़ने पे, जो लिखी है चौसर ने। अब बात करते हैं 100 ईयर वॉर की। देखिए, 1338 में 100 ईयर वॉर हुआ था, और इसके ठीक दो साल बाद 1340 में चौसर का जन्म हुआ था। तो देखिए, 100 ईयर वॉर किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1362 की बात करते हैं, जो मेन है, इससे भी क्वेश्चन आता है। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि 1362 से पहले ऐसा क्या हुआ जब यहाँ पे इंग्लिश एमर्ज हुई। तो देखिए, 100 ईयर वॉर जब हुआ था ना, उस टाइम पे क्या हुआ था, इनइक्वेलिटी जो है वो ब्रेक डाउन हो गई थी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इनइक्वेलिटी ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है, कि कॉमन पीपल भी एक मेन स्ट्रीम में आ चुके थे, क्योंकि कॉमन पीपल की लैंग्वेज इंग्लिश थी। तो उस टाइम पे हुआ क्या, कि जब 100 ईयर वॉर हुआ, उसके बाद ये आया कि इनइक्वेलिटी तो ख़त्म हो गई, जो इंग्लिश थी ना वो प्रोमिनेंट हो गई। तो इंग्लिश और फ्रेंच, इनका अमलगमेशन हो गया, मतलब ये मिक्स हो गई। और 1362 में क्या हुआ, इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, और लॉ और कोर्ट्स वगैरह में इसका यूज़ होने लगा। और आपको ये पता है, जब ऑफिशियल लैंग्वेज कोई बन जाती है तो उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोल दिया जाता है। तो इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज हो गई थी उस टाइम पे? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, देखिए इस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ नेचुरल सफरिंग्स हुई, जो कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा सफ़र करने को मिली। और इस टाइम पे ब्लैक डेथ जिसे कहते हैं, या फिर ग्रेट प्लेग, ग्रेट प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता है एक्चुअली। तो इसे ब्लैक डेथ या ग्रेट प्लेग, आप कोई भी नाम दे दो, एग्ज़ाम में किसी भी नाम से इसे पूछ सकता है। वो हुआ था 1348 और 1349 के टाइम पे। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जो 1/3 पॉपुलेशन थी, दैट गॉट वाइप्ड आउट, मतलब एक तिहाई जो लोग थे वो मर गए थे। और इसके बाद भी एक और नेचुरल क्लेमिटी आई, जब स्टारवेशन था हुआ, और स्केयरसिटी ऑफ फूड हुई, जिसे कहते हैं फैमिन। एंड ब्लैक डेथ जो है वो तीन बार रीअपियर हुआ, 1362, 1367 एंड 1370, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब ये ब्लैक डेथ या ग्रेट प्लेग जब हुआ, तो इसका क्या इफेक्ट हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, जब स्केयरसिटी ऑफ फूड हुआ, स्टारवेशन हुआ, शॉर्टेज हुई चीज़ों की, तो उस टाइम पे हैवी टैक्सेशन इम्पोज कर दिया था। अब देखिए, हैवी टैक्सेशन सबको भरना पड़ता है, या तो आप बात करें रिच की या बात करें पुअर की। देखिए, रिच जो पीपल हैं उनके लिए इट वॉज़ वेरी वेरी ईजी टू यू नो पे टैक्स, लेकिन जब हम पुअर की बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना होता है। और उस टाइम पे कंट्रास्ट हो गया, कंट्रास्ट मीनिंग एक डिफरेंस कह लो आप, रिच और पुअर के बीच में एक डिफरेंस आ गया, जिस की वजह से जो
पुअर लोग हैं उनको बहुत सफ़र करने को मिला। तो उस टाइम पे कॉमन पीपल कुछ राइज हुए, और जिसकी हम बात करते हैं जोन बोल की, जो लेबरर्स के लिए एक तरफ से आवाज़ बन के जो आई उस टाइम पे, वो थे जोन बोल। और इफ़ यू टॉक अबाउट जोन बोल, हु वॉज ही वॉज कैंटिश प्रिस्ट एंड ही प्रीच्ड द डिग्निटी ऑफ लेबर। कैन कम इन क्वेश्चन फॉर्म लाइक हु प्रीच्ड द डिग्निटी ऑफ लेबर, देन ही इज़ जॉन बॉल। ठीक है, तो इन्होंने प्रीच दिया, कुछ वर्ड्स इन्होंने बोले वो थे, वेन एडम डेल्व्ड एंड ईव स्पैन, हु वॉज देन द जेंटलमैन। देखिए मैं इसका मीनिंग, इस कोटेशन का एक मीनिंग बता देती हूँ। ये इन्होंने कहा था कि जब एडम और ईव थे उस टाइम पे कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं था, कोई बॉस नहीं था, ठीक है, तो इन्होंने वो बात कही थी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिच पीपल को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था जितना कि पुअर पीपल को था। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मूवमेंट एक तरफ से फेल हो गया था। तो इसके बाद आते हैं जॉन वाइक्लिफ। देखिए आफ्टर जॉन बॉल क्या हुआ, पीजेंट रिवोल्ट हुआ 1381 में, ये याद रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं चर्च की। देखिए जो चर्च था ना उस टाइम पे, उसमें करप्शन बहुत था, और जब उसमें इतना करप्शन था कि उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी, तो एक रेफरमेशन मूवमेंट लाए गए। ठीक है, तो जिसमें वाइकलिफ का नाम बहुत माना जाता है, और वाइकलिफ का नाम ही चमक के आया था। लेकिन इससे पहले हम चर्च की कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए जो चर्च था उस टाइम पे, करप्शन बहुत था उसमें, उसमें सुपरस्टिशन बहुत था, और चर्च को कहीं ना कहीं इतना सुप्रीम बना दिया था। जो चर्च में बैठे हुए जो एक्लेसियास्टिकल पार्टीज होती थी वो सुप्रीम पावर या पावरफुल होती थी। तो वो लोग क्या थे, वो लोग बड़ी हेल्दी और वेल्थी लाइफ जीते थे, और अगर पुअर की बात की जाए तो वो बड़े सफ़र कर रहे थे। तो और अगर हम एक्लेसियास्टिकल पार्टीज़ की बात करें, दे वर इंडल्ज्ड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाइसेज एंड दे लिव्ड इन अ गॉडलेस एंड वर्ल्डली वे। तो इसलिए क्या हुआ कि चौसर ने अपने प्रोलोग में उन सबको एक्सपोज किया है, तो उसे कहते हैं चौसर्स प्रोलोग, प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। जब आप ये पढ़ेंगे तब उसमें कैरेक्टर्स को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, और हायरार्की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, तो जिसकी हम बात करेंगे कैंटरबरी के टाइम पे। और अब बात करते हैं जॉन वाइक्लिफ की, जिनका नाम इस टाइम पे बहुत फेमस हुआ है। उन्हें कहते हैं द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन। ये याद रखने वाली चीज़ है और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए ही वॉज द फर्स्ट वन टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ कैथोलिक चर्च। देखिए और इन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका मूवमेंट फेल नहीं हुआ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उस टाइम पे चर्च में जो है रेफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो बहुत सुप्रीम पावर, एक तरफ से उनको एक्लेसियास्टिकल पार्टीज़ को सुप्रीम पावर दे दी गई थी। तो इन्होंने क्या किया, ही कंडेम्ड एंड एक्सपोज्ड द क्लैरिकल प्रिटेंशंस एट दैट टाइम। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, वो लोग मैन, कॉमन पीपल और गॉड, इनके बीच में बैरियर हो गए थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इंसान को भगवान के लिए किसी बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है, बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए लोगों को फ्री एक्सेस होना चाहिए। तो इनके जो मेन मोटिव यही था। ठीक है, तो वाइकलिफ ने वाइकलिफ के एक फॉलोवर हुए जिनका नाम था लोलर्ड, और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, द लोलर्ड मूवमेंट। और ये जो सब ये इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो आपको याद रखना है, इट वॉज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट दैट अपोज्ड द कैथोलिक या कैथोलिसिज्म इन इंग्लैंड। और अगर हम बात करें वाइकलिफ की, तो वाइकलिफ ने क्या किया कि उस टाइम पे बाइबल जो थी उसका फ्री एक्सेस नहीं था लोगों के लिए। ठीक है, तो उसके लिए बीच में किसी ने किसी की ज़रूरत होती थी, जो चर्च में बैठे हुए लोग होते थे। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, जो बाइबल थी उसको ट्रांसलेट किया, एंड वाइकलिफ प्रोड्यूस्ड कंप्लीट वर्जन ऑफ बाइबल विद द हेल्प ऑफ हिज डिसाइपल्स। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अब देखिए इसके बाद, इस मूवमेंट के बाद भी, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवमेंट के बाद भी ना, चर्च स्टिल कंटिन्यू टू बी द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लाइफ एंड इंग्लिश थॉट्स। तो चर्च जो उस टाइम पे था वो तब भी लोगों की सोच को, लोगों की फीलिंग्स को क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, या कहीं ना कहीं किस जैसे कह सकते हैं कंट्रोल कर रहा था। तो उस टाइम पर क्या हुआ, इटली से बड़े ही दो जो मशहूर या फेमस राइटर थे, वो जो है वो उनकी राइटिंग की वजह से वहाँ पे इंग्लैंड में लिटरेचर में रिवाइवल हुआ। ठीक है, उनका नाम है पेट्रार्क
एंड बोकैशी। उस टाइम पे इटली में ह्यूमनिज्म प्रीवेल था, तो लोगों को मतलब जो कॉमन पीपल थे या जो इंसान थे उनको बड़ा एक इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो उनकी राइटिंग से क्या हुआ, इस टाइम पे लिटरेचर जो था वो कहीं ना कहीं रिवाइव हुआ। तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में आया स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ, वो किसकी वजह से हुआ था, वो हुआ था पेट्रार्क एंड बोकैशियो की जो राइटिंग्स थी, इनके जो इन्फ्लुएंस थे, इसकी वजह से इंग्लैंड में ह्यूमनिज्म या इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिज्म पास्ड इनटू इंग्लैंड। अभी हम चौसर की राइटिंग करने से पहले हम दो चार चीज़ें एक इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, ताकि उसके बाद हम फिर चौसर को नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में छोटा वीडियो नहीं बनेगा, उसका काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता अगर मैं इसी में एसिमिलेट कर देती हूँ उसे, तो उसका नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम। चलिए चौसर को पढ़ने से पहले हम कुछ मेन उनके कंटेम्प्रेरी की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट नाम आता है विलियम लैंगलैंड का और सेकेंड नाम आता है जॉन गार का। तो देखिए पहले हम बात करते हैं विलियम लैंगलैंड की। देखिए क्वेश्चन ना ऐसे भी पूछा जाता है कि चौसर के कंटेम्प्रेरी राइटर कौन थे, तो विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गावर इन दोनों के नाम आते हैं। लेकिन अगर हम क्लोजेट कंटेम्प्रेरी की बात करें ना, अगर जहाँ पे क्लोजेट आता है तो हम विलियम लैंगलैंड का नाम पे टिक करेंगे, ये याद रख लेना, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अभी देखते हैं, चलिए विलियम लैंगलैंड की बात करते हैं। देखिए विलियम लैंगलैंड की जो बहुत ही फेमस जो वर्क आता है, जो पोयम आती है, वो है द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स प्लोमेन, जिसे पियर्स प्लोमेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका पूरा नाम ये है, ठीक है, ये आप याद रख लेना। ये जो पोयम है दैट इज़ सटायरिकल इन नेचर, और इसमें इन्होंने, विलियम लैंगलैंड ने रेज किए हैं कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग करप्शन। जैसे कि बताया कि करप्शन उस टाइम पे बहुत प्रीवेलिंग था और प्रोमिनेंट हो गया था एक तरफ से चर्च में। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उन सभी जो उस टाइम पे करप्शन था, उन सभी करप्शन को क्रिटिसाइज़ किया। और इसका अगर हम स्टाइल की बात करें, इट इज़ एलिटरेट, इट्स इन एलिटरेटिव वर्ड्स एंड इन नॉन राइम्ड वर्ड्स। और देखिए हमने इससे पहले किया था ना ब्लैक डेथ, और या फिर जिसे ग्रेट प्लेग बोला जाता है, उसका डिटेल अकाउंट इस बुक में देखने को मिलता है, द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स प्लोमेन, या फिर द पियर्स प्लोमेन में डिटेल अकाउंट विलियम लैंगलैंड ने ग्रेट प्लेग के बारे में भी दी है। तो आपको ये पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अभी जॉन गावर की। देखिए जॉन गावर ने 55 बैलार्ड्स लिखे हैं, और इन्होंने थ्री मेन जो इम्पोर्टेंट पोएम की बात होती है वो तीन हैं, स्पेक्युलम मेडिटेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस एंड कन्फेशियो अमेंटिस। देखिए अब बात होती है, इन्होंने ये तीनों जो वर्क हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे इसके राइटिंग का पूछ लेगा कि किस में किस लैंग्वेज में ये लिखी है, या फिर ये वर्क किस लैंग्वेज में है, या थर्ड वर्क किस लैंग्वेज में है। तो तीनों पोएम की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए स्पेक्युलम मेडिटेंटिस ये है फ्रेंच में, वॉक्स क्लेमेंटिस लेटिन में, कन्फेशियो अमेंटिस इंग्लिश में। जॉन गार ने क्या किया कि उस टाइम पे एक भारी स्टेटमेंट दिया था, और इन्होंने कहा था वाइल्ड बीस्ट विदाउट रीज़न, जिसका मतलब था इन्होंने ये एक स्टेटमेंट बोली थी। ये किस लिए बोली थी, आपको पता है ना 1381 में क्या हुआ था, पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ था। तो इसने कहा था कि जो ये वाइल्ड बीस्ट विदाउट रीज़न, मतलब जो ये पीजेंट रिवोल्ट हुआ था ना, ये बिना रीज़न के था, या फिर ही क्रिटिसाइज्ड पीजेंट्स फॉर देयर रिवोल्ट, क्योंकि इसने उस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बाद हम चौसर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म होना मुश्किल था और लंबी वीडियो हो जाती। तो आप जितना अभी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से याद करो, उसके नोट्स बना लो। दिस साइड प्रियंका गौर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।